जय हो। इतने जोर बोलने की गणा भवानी की जय हो। डर गई बिटी लोग इधर बगल में। हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए। बोले देखो ये भी बड़ा संकट है, मैंने दुनिया में 850 करोड़ लोग बना डाले लेकिन कोई किसी के जैसा नहीं बनाया, सब अपने अपने जैसे। अब अपने जैसा कहां से लाऊं? महाराज बोले देखो हमारे टेंशन नहीं है, आपकी समस्या है, आप जानिए आपका काम। आपने कहा है कि जो मांगोगे मिलेगा, अब मैंने जो मन में है मांग लिया। आगे लाइट कभी बंद गया, मतलब क्या करूं? भगवान बंधन में बंध गए, भगवान भी भक्त के आगे आज समस्या में है। भगवान ने कहा भक्तराज जाओ वचन देता हूं, आज के बाद आप सरिस कहां जाई। अपन जैसा कहां खोजो, न पतव तन हो आई, न पतव तन हो आई, चला गया तो इन्होंने अपना विवाह अपने मन से किया। सुरुचि उन्होंने नीति के अनुसार पत्नी दिया सुनीति, लेकिन ये अपने मन का दूसरा विवाह किए सुरुचि, और सुरुचि के पल्लू में बंध कर अपना दायित्व तो भूल गए। ध्रुव जी का अपमान हुआ, ध्रुव जी घर छोड़कर चले गए, और ये पता जब महाराज मनु को लगी, मनु महाराज वापस आए हैं, पुत्र को डांटते हुए बोले तुमने दंपत्य धर्म का तिरस्कार किया, तुमने पुत्र का तिरस्कार किया, इसलिए उत्तानपाद आज मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूँ, अब वापस नहीं आऊंगा, हाँ तुमसे अच्छा पुत्र प्राप्त करके मैं संसार को देकर मरूंगा। पुत्र मांग लिए, कैसा? जो हमारे संविधान पर देश को चला सके।